जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक की बनाई गई सबसे जटिल और महंगी अंतरिक्ष वेधशाला पृथ्वी से करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी आखिरी मंजिल L2 लैग्रेंज पॉइंट से अब महज एक सप्ताह से भी कम दूर है। एक बार जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगी उसके बाद ये ब्रह्मांड के उन हिस्सों और समय की जानकारियाँ हम तक पहुँचाने के लिए तैयार होगी जो आज से पहले तक कभी देखे ही नहीं गए। साथ के साथ ये हमारे सौर मंडल के भी उन कुछ हिस्सों के बारे में जानकारियां जुटाएगी जो इससे पहले तक हमारी पहुंच से बाहर ही रही थी। यूसी रिवरसाइड से एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन केन और उनका ग्रुप हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अन्य हिस्सों में शुक्र यानी वीनस जैसे ग्रहों की तलाश के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करने वाले हैं। वेब मिशन के साथ काम करने के अलावा केन साल 2028 से 2030 के बीच लॉन्च होने वाले वीनस के मिशंस दविंची प्लस और वेरिटास के लिए भी नासा में शामिल हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने वेब के कुछ अनोखे पहलुओं पर बात करते हुए कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हुए यह भी एक्सप्लेन किया कि कैसे वेब वीनस ग्रह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ महत्वपूर्ण यानी जरूरी है और दोनों कैसे पृथ्वी को फायदा पहुँचा सकते हैं। तो आइए भौतिज्ञ स्टीफन केन के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंततः पृथ्वी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। यहाँ पहला क्वेश्चन जो स्टीफन से पूछा गया वह था कि हम जानते हैं कि वेब टेलीस्कोप की लागत करीबन 10 अरब डॉलर्स के बीच की है, तो इस लागत में क्या योगदान दिया गया है और वेब टेलीस्कोप किसी भी दूसरे टेलीस्कोप से अलग कैसे है। वेल, वेब को अक्सर नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर डिस्क्राइब्ड किया जाता रहा है जो अब तक भी हैरतअंगेज रूप से मजबूती के साथ अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। हबल टेलीस्कोप को 90 के दशक के शुरुआत में लॉन्च किया गया था और उम्मीद से ज्यादा ये अब तक भी बखूबी टिका हुआ है। ये इतने लंबे समय तक चलते रहने के इरादे से नहीं बनाया गया था। आज इसे अपने साइंटिफिक ऑपरेशंस को करते करते 31 साल 8 महीनों से ज्यादा तक हो चुके हैं और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह अभी भी साल 2030 से 2040 के बीच तक टिका रह सकता है। इसका प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर करीबन 7 फुट 8 इंच जितना तक बड़ा है। वहीं इसकी तुलना में वेब का प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर करीबन 21 फुट 4 इंच जितना तक फैला हुआ है। यह हबल की तुलना में वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों के ही बीच कुछ दूसरे महत्वपूर्ण अंतर भी हैं, जैसे कि हबल पृथ्वी के करीब रहकर उसकी ऑर्बिट करते हुए अपने साइंटिफिक ऑपरेशंस को करता है। इसका फायदा यह है कि कुछ गलत होने पर इसे ठीक करने के लिए हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नुकसान यह है कि पृथ्वी चांद और सूर्य की गर्मी इसकी ऑब्जर्वेशंस के रास्ते में हमेशा आ खड़ी होती हैं, जिसके चलते और बेहतर ऑब्जर्वेशंस कर सकने में सक्षम होने के बावजूद भी यह नुकसान इसकी क्षमताओं को हमेशा सीमित करता रहा है। इसके विपरीत वेब लैग्रेंज बिंदु 2 की ओर पृथ्वी से दूर जा रहा है, स्पेस में एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल रद्द यानी कैंसिल हो जाते हैं, जिसके चलते स्पेस क्राफ्ट के लिए यह एक स्टेबल ऑर्बिट बन जाती है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य को ऑर्बिट करते हुए यह अंतरिक्ष में कहीं भी देखने में सक्षम होगा और ऐसा करते हुए पृथ्वी इसके रास्ते में नहीं आएगी। इसके अलावा हबल मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल वेवलेंथ्स यानी विजिबल रोशनी में ही अपने ऑब्जर्वेशंस करता है। ये वो वेवलेंथ्स हैं जिन्हें मानव आंखें भी देख पाती हैं। वहीं इसके उलट वेब मुख्य रूप से बेहद संवेदनशीलता के साथ इंफ्रारेड रोशनी में देखे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम ब्रह्मांड को ऑप्टिकल वेवलेंथ्स की तुलना में कई ज्यादा गहराई से देखने में सक्षम होंगे, जिनमें वो तारे और ग्रह भी शामिल हैं जो अभी तक भी इन मॉलिक्यूलर बादलों के पीछे बन ही रहे हैं और अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। दूसरा प्रश्न जो स्टीफन से पूछा गया कि आप वीनस ग्रह के बारे में और ज्यादा समझने में मदद करने के लिए वेब की तकनीक का उपयोग कैसे करेंगे, इसके अलावा आप वीनस ग्रह का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। वेल, इसके जवाब में उनका कहना था कि शुक्र यानी वीनस ग्रह को सौर मंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मोटी परत से ढका हेलस्केप यानी नरक जैसी जगह के रूप में वर्णित या डिस्क्राइब्ड किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सतह का तापमान 475 से 480 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। यहाँ पानी नहीं है और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल यहाँ तैरते रहते हैं। केन का कहना है कि उनके काम में वे दो सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला यह है कि शुक्र ग्रह आज जिस तरह का है वह कैसे इस अवस्था में आ पहुँचा, और दूसरा यह है कि यह नरक जैसी अवस्था कहीं और भी कितने सामान्य तौर पर घट सकती है। शुक्र ग्रह के लिए हमारा जो अलग मिशन है वह पहले प्रश्न के उत्तर देने के बारे में ही है, यानी साल 2028 के करीब करीब लॉन्च होने वाला द विंची प्लस।
डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, जो वीनस ग्रह की कॉम्पोजिशन को मापने और उसके वातावरण को समझने में मदद करेगा, साथ ही यह भी कि यह कैसे बना और आज जिस स्थिति में यह है वहां कैसे पहुंचा। केन का कहना है कि वेब के साथ हमारा काम बाद वाले प्रश्न के बारे में है कि क्या ब्रह्मांड में दूसरे वीनसेस भी हैं। केन का कहना है कि हम वेब का उपयोग एक्सोप्लैनेट्स के वातावरण को मापने के लिए करेंगे और यह तय करने की कोशिश करेंगे कि वे ग्रह पृथ्वी या शुक्र ग्रह जैसे हैं या नहीं। विशेष रूप से वेब हमें इन दूसरे तारों के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह की गैसों को तलाशने में मदद करेगा, जो इन ग्रहों पर भी वीनस और पृथ्वी जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की स्थिति को इंगित यानी इंडिकेट कर सकती हैं। हम इन मापदंडों को वेब की मदद से उन ग्रहों पर करने जा रहे हैं जहां उन ग्रहों के बारे में हम ये पहले से ही जानते हैं कि उन्हें अपने सितारे की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, वे अपने सितारे से कितना करीब हैं, उनका आकार क्या है और उनका द्रव्यमान कितना है, लेकिन हम उनके वायुमंडल के बारे में आज भी ज्यादा नहीं जान पाए हैं, या यह भी कि वह शुक्र ग्रह जैसी अवस्था में है भी या नहीं। जेम्स वेब ही है जो हमें यह बता सकेगा और इससे हमें यह भी देखने में मदद मिलेगी कि शुक्र ग्रह का जो भाग्य रहा है, जिसमें यह माना गया है कि शुक्र कभी पृथ्वी जैसे ही जीवन से समृद्ध रहा हो सकता था और आज किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के चलते यह नरक जैसी स्थिति में आ पहुंचा है, और यह भी कि इस ग्रह जैसा भाग्य ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर एक सामान्य भाग्य है या नहीं। शुक्र ग्रह आज जिस स्थिति में है वह यहाँ तक कैसे पहुँचा हो सकता है, जुपिटर ग्रह कैसे जिम्मेदार हो सकता है शुक्र ग्रह की आज जैसी स्थिति के लिए, क्या वाकई यहाँ कभी पृथ्वी जैसा वातावरण रहा था, इन सभी पहलुओं पर हमने पहले भी एक डिटेल्ड एपिसोड किया हुआ है, तो इस ग्रह की आज जैसी स्थिति पर ज्यादा जानकारी के लिए आप यह एपिसोड देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न जो भौतिज्ञ स्टीफन से किया गया वह था कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी पर यहाँ की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन कर रही हैं। क्या शुक्र विज्ञान पृथ्वी की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है, जिसके जवाब में इनका कहना था कि शुक्र के साथ जो भी हुआ वह गैर मानवीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ था, लेकिन प्रभाव बहुत मिलते जुलते हैं। शुक्र हमारी पृथ्वी के भविष्य का पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू है। यह समझना कि रनअवे ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, हमें बता सकती हैं कि शुक्र ग्रह जैसे भविष्य को कैसे रोका जाए। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है, पृथ्वी पर तापमान वाकई बढ़ रहा है। climate.government के इस आर्टिकल के जुटाए गए डेटा की माने तो सन 1880 के बाद से पृथ्वी के तापमान में प्रति दशक 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट करीबन 0.08 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, और पिछले 40 वर्षों में तो गर्मी की दर दो गुने से अधिक है। साल 1981 के बाद से प्रति दशक 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट करीबन 0.18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 50 से 100 वर्षों की भविष्यवाणियों में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता है, क्योंकि प्लैनेटरी प्रोसेस एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करती हैं, इस बारे में हम कितना जानते हैं या जान पाए हैं इसकी सीमाएं हैं। ज्वालामुखीय विस्फोट, समुद्री धाराएं, वायु धाराएं, इस जटिल पहेली को समझने के लिए बहुत सारे पहलू हैं, और हम केवल पृथ्वी के डेटा के आधार पर ही अपने भाग्य का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहाँ हमें डेटा के एक अन्य स्रोत की जरूरत है जहाँ चीजें पहले से ही गलत हो चुकी हों, और हमारी नजर में अभी फिलहाल हमारी पृथ्वी से मेल खाता जो एकमात्र पिंड है वह है हमारा पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस। यह संभव तो है कि शुक्र हमेशा से ही अपनी वर्तमान स्थिति जैसा रहा हो, लेकिन स्टीफन के मुताबिक उन्हें ऐसा नहीं लगता। उनका मानना है कि यहाँ अतीत में पानी रहा हो सकता था क्योंकि यह धीरे धीरे घूमता है। आपको बता दें कि वीनस पर एक साल जहाँ 225 पृथ्वी दिनों के बराबर का है, वहीं एक पूरा दिन इससे भी लंबा 243 पृथ्वी दिनों जितना बड़ा होता है। इसी वजह से स्टीफन का मानना है कि क्योंकि यह धीरे धीरे घूमता है, जिसके चलते इस ग्रह पर अतीत में बादलों का निर्माण हुआ होगा जो आगे चलकर ठंडे होकर इसकी सतह पर पर्याप्त पानी लाए होंगे। यही एक कारण है कि हम इसकी सतह पर इसके भूविज्ञान को देखने और इसकी उत्पत्ति के बारे में सुराग प्राप्त करने के लिए भविष्य में द विंची प्लस और वेरिटास के साथ इस ग्रह पर वापस जा रहे हैं। यहाँ स्टीफन का कहना यह भी है कि वह शुक्र और पृथ्वी ग्रह के बीच के संबंध को कुछ इस तरह से समझते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी एक अच्छे शहर में रह रहे हैं और हमारे करीब एक कस्बा जो एक समय पर जलकर राख हो गया और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। अगर यह शहर कभी हमारे जैसा ही था तो आज इसकी इस स्थिति को देखते हुए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।
यहाँ वास्तव में एक जरूरी संदेश छुपा है कि हम आज जहाँ रहते हैं उसकी बेहतर देखभाल कैसे कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसमें हमारी मदद करने वाला है।